आर्थिक तंगी से जूझ रहा तालिबान अब बुद्ध की उन मूर्तियों को देखने के लिए टिकट बेच रहा है जिन्हें 22 साल पहले तालिबानी अधिकारियों ने ही तोड़वा दिया था। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। बताया गया है कि अफगानिस्तान के बामियान इलाके में बुद्ध की मूर्तियां टूरिज्म के जरिए कमाई का जरिया बन रही हैं। अमेरिका के सेंट लुइस में रविवार को मास शूटिंग की घटना हुई। इसमें एक टीनेजर लड़के की जान चली गई जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायल हुए लोगों की उम्र 15 से 19 साल के बीच बताई जा रही है। एक 17 साल की लड़की गंभीर रूप से घायल है। यूपी और बिहार समेत देश के 10 राज्यों में हीट वेव से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन इन राज्यों में बारिश की संभावना है। मोबाइल व्यापारी राजीव शर्मा सुसाइड मामले की जांच भोरकुआ पुलिस ने शुरू कर दी है। मृतक पूर्व में किस मामले में जेल गए थे इसकी जानकारी भी पुलिस जुटा रही है। इस बीच पुराने मामले को लेकर मकान बिक्री के लिए हुए एग्रीमेंट की कॉपी सामने आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार शाम को इंदौर आए। इस अवसर पर एयरपोर्ट पर स्थानीय नेताओं ने उनकी अगवानी की। मुख्यमंत्री यहां से सीधे अभय प्रशाल के लिए रवाना हुए। रास्ते में लाडली बहनों ने उनका जगह जगह स्वागत किया। वाराणसी में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आमंत्रण इंदौर के खजवाना गणेश मंदिर को मिला है। यह पहला मौका है जब इंदौर के खजवाना गणेश मंदिर के पुजारी व समिति के सदस्य इसमें शामिल होंगे। रविवार को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप अपने नाम किया। भारत ने फाइनल मुकाबले में लेबनान को 2-0 से हराया। भारत 5 साल बाद इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रॉफी फिर घर लाया है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीत लिया है। चिराग सात्विक की जोड़ी ने टूर्नामेंट में मलेशियाई जोड़ी को सीधे गेम में 21-17 और 21-18 के अंतर से हराया। सनी देओल के बेटे करण देओल ने रविवार को अपनी गर्लफ्रेंड दृश्या से शादी कर ली है। शादी की कई फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। शादी के कुछ घंटों बाद ही खुद करण ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पत्नी दृश्या के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। प्रभास, कृति सेनन, सनी सिंह और सैफ अली खान स्टारर आदि पुरुष 16 जून को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। ओपनिंग डे पर ही फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया था। फिल्म ने पहले वीकेंड में 129 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो फिल्म पर ट्रोलिंग का कोई खास असर नहीं हुआ है।